नमस्कार। आज की वीडियो में एक ऐसी समस्या के बारे में समझने वाले हैं जिसमें व्यक्ति को या तो पेशाब आना कम हो जाता है या फिर पूरी तरह से पेशाब का आना रुक जाता है या फिर बंद हो जाता है। इस बीमारी की या समस्या की सबसे खास बात है कि जो बीमारी है ये पूरी तरह से पुरुषों में होने वाली बीमारी है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसी क्या समस्या होगी जो सिर्फ पुरुषों में होती है महिलाओं में नहीं होती है। जी हाँ, ये जो समस्या है या फिर जो बीमारी है ये पूरी तरह से पुरुषों में होने वाली बीमारी है और इसको बोलते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट आखिर होता क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं शरीर में और किन वजहों से या कहले कि किन कारणों की वजह से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जैसी समस्या हमारे शरीर में हो जाती है और आखिर में हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी। बात करें अगर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में बेसिकली दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक आ रहा है प्रोस्टेट, ठीक है, एक आ रहा है प्रोस्टेट और दूसरा आ रहा है एनलार्जमेंट। ठीक, इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है प्रोस्टेट और दूसरा आ रहा है एनलार्जमेंट। प्रोस्टेट का मतलब होता है एक तरह की ग्रंथि या एक तरह की ग्लैंड जो सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है। एनलार्जमेंट का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ जाना। तो बेसिकली प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का मतलब हुआ कि प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड जो पुरुषों में पाई जाती है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है और इसी के वजह से जो समस्या आती है उसी को बोलते हैं हम प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की समस्या। अब सवाल आता है कि भाई प्रोस्टेट ग्लैंड आखिर होती क्या है और इसका पुरुष के शरीर में काम क्या होता है और ये किस वजह से हमारे यूरिन को या फिर पुरुषों में यूरिन को कहीं ना कहीं रोक देती है या फिर पुरुषों में यूरिन की मात्रा को कहीं ना कहीं कम कर देती है। तो आइए हम प्रोस्टेट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर बात करें प्रोस्टेट के बारे में तो प्रोस्टेट एक तरह की ग्लैंड होती है जो बेसिकली पुरुषों के जेनिटल पार्ट से जुड़ी होती है, यानी कि जो पुरुषों का जननांग होता है बेसिकली या फिर जो प्रजनन तंत्र होता है बेसिकली उससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है बेसिकली जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो पुरुषों के यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे एक छोटे से अखरोट जैसे आकृति के रूप में लगी होती है जिसका साइज जो होता है बेसिकली या फिर इसके वेट की बात कहें तो इसका वेट जो है 20 से 25 ग्राम तक का इसका वेट होता है। ठीक है, 25 ग्राम तक का इसका वेट होता है। इसकी अगर पोजीशन की बात करें तो मैंने बताया कि ये पूरी तरह से पुरुषों में उपस्थित जो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है बेसिकली जो जो पेशाब की थैली जिसको बोलते हैं उसके जस्ट नीचे उपस्थित होता है। तो देखिए मान लीजिए ये यूरिनरी ब्लैडर है पुरुष का तो यहाँ से एक तरह की पाइप निकली होती है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यही यूरेथ्रा बेसिकली आगे पेनिस पार्ट के टिप से लगा होता है और यहीं से पुरुष जो है यूरिन को बाहर पास आउट करता है। इसी यूरेथ्रा के ऊपर, ठीक है, मान लीजिए यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के ऊपर ऐसे कवर किया हुआ, ठीक है, इसी यूरेथ्रा को कवर किया हुआ एक अखरोट जैसे आकृति यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे लगी होती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट। अब बात आते हैं इसके काम के बारे में कि प्रोस्टेट ग्लैंड का काम बेसिकली क्या होता है। देखिए अगर प्रोस्टेट ग्लैंड के काम की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक तरह का सिक्रीशन या फिर एक तरह का पदार्थ सिक्रीट करती है जिसको बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड, ठीक है, इसको बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। अभी जो सेमिनल फ्लूइड होता है वो आगे आकर के जो स्क्रोटम होता है बेसिकली स्क्रोटम के अंदर आप सभी को पता है टेस्टिस होते हैं और टेस्टिस ही स्पर्म का निर्माण करते हैं। तो ये जो सेमिनल फ्लूइड है वो सेमिनल वेसाइकल के थ्रू या फिर एक तरह के पाइप जैसी आकृति के थ्रू आकर के इस स्क्रोटम में चली आती है और स्क्रोटम में उपस्थित जो स्पर्म होते हैं उसको न्यूट्रिशन प्रदान करने का या फिर उसे एक तरह का प्रोटेक्शन, एक तरह का पोषक तत्व प्रदान करने का काम करता है। जब ये सेमिनल फ्लूइड बेसिकली आकर के स्पर्म से जुड़ जाती है, किससे जुड़ जाती है, स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड, ठीक है, प्लस सेमिनल फ्लूइड। जब ये स्पर्म से आकर के मिल जाता है सेमिनल फ्लूइड तो जो अगला जो मिक्सचर बनता है, जो अगला जो पदार्थ बनता है स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड के मिलने से उसी को बोलते हैं हम सीमन, ठीक है। आपने सीमन के बारे में सुना होगा, सीमन वो पदार्थ होता है, वो गाढ़ा सा सफेद रंग का वाइटी सब्सटेंस होता है जो इजेकुलेशन के दौरान पेनिस, पुरुष के पेनिस पार्ट से बाहर आता है जिसमें बेसिकली स्पर्म की बहुत सारी संख्या में मात्रा होती है या फिर बहुत सारी संख्या में जिसमें स्पर्म मौजूद होते हैं तो उसको बोलते हैं सीमन, जो बना होता है स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड से, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके काम के बारे में कि बेसिकली
इस प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है। अब सवाल आता है कि भाई जब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाता है तो ऐसे में यूरिन पास आउट करने में समस्या क्यों होती है। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये जब बड़ा हो जाता है तो ऐसे में यूरिन कैसे रुक जाता है, या फिर यूरिन के पास आउट में या फिर यूरिन के रास्ते में रुकावट किस तरह से आती है। बात करें अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो एक पाइप के ऊपर ऐसे लगी होती, कवर की हुई होती, जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ये जो यूरेथ्रा होता है बेसिकली एक पैसेज देता है ताकि यूरिन जो इस यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हुआ है, बेसिकली जो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, उसको बाहर निकाला जा सके टाइम टू टाइम जब व्यक्ति पेशाब करता है, फिर जब व्यक्ति यूरिन पास आउट करता है, तो इसी यूरेथ्रा के माध्यम से वो सारा यूरिन जो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है वो पूरा ही बाहर निकल आता है। लेकिन अब जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि इसके ऊपर कवर्ड है, अगर इसकी साइज बढ़ेगी, तो आपको पता है कि जब किसी की साइज बढ़ती है तो उसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ता है। भाई देखिए, मान लीजिए ये एक पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, इसके ऊपर ये ऐसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड लगी हुई है। ऐसे में जब ये साइज बढ़ेगी तो ये जो साइज बढ़ेगी तो ये सिर्फ बाहर की साइज नहीं बढ़ेगी, अंदर की तरफ भी इसका एनलार्जमेंट होगा, यानी कि अंदर की तरफ भी बढ़ेगी। और जब ये बढ़ती जाएगी तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या फिर जो पाइप गई है बेसिकली, जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, उस पर एक तरह का दबाव या फिर एक तरह का प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से इसके अंदर से जो यूरिन पास आउट हो रहा है या फिर यूरिन जो जा रहा है उसको कम जगह मिलेगी। अब जब कम जगह मिलेगी तो इस वजह से एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और या कह सकते हैं कि उस वजह से ठीक ढंग से यहाँ से यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगा, या फिर जो यूरिनरी ब्लैडर में बेसिकली यूरिन भरा हुआ है वो ठीक ढंग से इस पैसेज के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यही कारण है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्ज हो जाने की वजह से या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के बड़े हो जाने की वजह से एक तरह का प्रेशर इस यूरेथ्रा पे अप्लाई हो जाता है, जिस वजह से यूरेथ्रा ब्लॉक हो जाता है या फिर यूरेथ्रा की जो पाइप होती है वो पतली हो जाती है, सकरी हो जाती है, जिस वजह से यूरिन ठीक ढंग से बाहर नहीं निकल पाता है। और एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जब ये एनलार्जमेंट होते होते ज्यादा एनलार्जमेंट हो जाता है, या फिर जब ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है बेसिकली, तो पूरी तरह से कभी कभी यूरेथ्रा ब्लॉक भी हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति यूरिन को पास आउट ही नहीं कर पाता है। तो ये तो बात हो गई कि भाई प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से यूरिन किस तरह से ब्लॉक हो जाता है या फिर यूरिन को बाहर निकलने में किस तरह से रुकावट होती है। अब बात आते हैं इसके कारण के बारे में कि बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है बेसिकली वो किस वजह से एनलार्ज हो जाती है या फिर इसके अंदर समस्या किस वजह से आती है। बात करें अगर इसके कॉजेस के बारे में या फिर इसके कारण के बारे में कि किन वजहों से या किन कारणों की वजह से पुरुष में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जैसी सिचुएशन बन जाती है, तो मैं आपको पहली चीज बता दूं कि जो समस्या है वो 50 प्लस एज ग्रुप के लोगों में बेसिकली ये समस्या ज्यादा देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि 50 प्लस के अंदर के लोगों में या फिर 50 के अंदर के लोगों में ये समस्या नहीं होती, उसमें भी होती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस में देखा गया है कि 50 प्लस या फिर 40 के एज के ग्रुप के लोगों में ये समस्या देखी जाए। ज्यादातर केसेस में ये 50 प्लस के जो लोग होते हैं या फिर 52 साल के, 55 साल के, 60 साल की उम्र के जो व्यक्ति होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके अंदर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की सिचुएशन ज्यादा देखी जाती है। होता क्या है कि जब व्यक्ति ज्यादा उम्र का हो जाता है या फिर 50 प्लस हो जाता है या जब वो बुजुर्ग हो जाता है, तो ऐसे में उसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं वो कम हो जाती हैं, उसका बॉडी कहीं ना कहीं उसकी बॉडी शिथिल पड़ जाती है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं रह जाती है, वो उसकी जो फिजिक होती है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है, उसकी मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर जो मसल की जो मजबूती होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो इस वजह से बेसिकली एक तरह की जो हार्मोनल एक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं 50 प्लस की एज में कम हो जाती है या फिर स्लो हो जाती है। उसी वजह से जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, आपको पता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है एक तरह के फ्लूइड का सिक्रेशन करना, जिसको बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड। अब जो कि जब वो जवान था या फिर 40 प्लस की एज में था या फिर 40 से कम की एज में था या कहने की 50 से कम की एज में था, तो ऐसे में उसको सेमिनल फ्लूइड उसके अंदर प्रॉपर मात्रा में बन रहे थे, क्योंकि उसके अंदर कई सारे हार्मोन जो होते हैं, जो जैसे कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो होते हैं, उनका सिक्रेशन प्रॉपर ढंग से हो रहा था या उनका फिजिक बेसिकली मेंटेन था, इस वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक ढंग से काम कर रही थी। लेकिन जब उनके अंदर हार्मोनल एक्टिविटी स्लो हो गई या फिर उनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है जब वो स्लो हो गया, तो ऐसे में प्रोस्टेट ग्लैंड से सेमिनल फ्लूइड की मात्रा जो है वो घट गई या फिर
प्रोस्टेट ग्लैंड से सेमिनल फ्लूड बहुत कम मात्रा में बनने लगा या फिर बॉडी को सेमिनल फ्लूड की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी। और ज़्यादा जरूरत तब जब नहीं पड़ी तो ऐसे में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है बेसिकली जो यहाँ पे उपस्थित होता है वो भाई अब क्या करे, उसकी वजह से यहाँ पे हार्मोन का प्रॉपर ढंग से सिक्रीशन नहीं हो पाता या फिर ये ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती या फिर ये कहने की एक तरह से इनफंक्शन हो जाती है, इसका कोई खास जरूरत नहीं बॉडी में रह जाती है। इस वजह से भी ये समस्या बेसिकली प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जैसी सिचुएशन शरीर में देखी जाती है बेसिकली हार्मोन के इम्बैलेंसमेंट के वजह से। हार्मोन के बेसिकली इम्बैलेंसमेंट की वजह से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की सिचुएशन देखी जाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसके कॉजेज के बारे में कि क्या क्या कॉजेज होते हैं बेसिकली जिनकी वजह से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की सिचुएशन बॉडी में या फिर पुरुष के शरीर में देखी जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि अगर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जैसी सिचुएशन या फिर इस कंडीशन किसी पुरुष में हो जाती है तो ऐसे में क्या सिम्टम्स आते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो पुरुष होता है उसको यूरिन पास आउट करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, उसका यूरिन ठीक ढंग से पास आउट नहीं हो पाता है। इसके अगर अदर सिम्टम की बात करें तो जो अदर सिम्टम है तो यूरिन बेसिकली बार बार उसको यूरिन करने का मन कहेगा, बार बार उसको पेशाब करने का मन कहेगा लेकिन उसका पेशाब ठीक ढंग से पास आउट नहीं हो पाएगा या कहने कि जो ये यूरिनरी ब्लैडर है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाएगा, जिस वजह से वो कभी भी फ्री फील नहीं करेगा, उसको हमेशा ही अनइजीनेस फील होगा। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स बेसिकली प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की सिचुएशन में पुरुषों के अंदर देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट के बारे में, किसका ट्रीटमेंट बेसिकली किस तरह से किया जा सकता है। देखिए अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो डॉक्टर्स के पास अगर जाते हैं तो डॉक्टर तो आपको पहले कहता है भाई इसकी सर्जरी होगी तभी ये जो है समस्या दूर हो सकती है, लेकिन कुछ केसेस में इसकी सर्जरी ना करके बेसिकली मेडिकेशन के माध्यम से, ठीक है, मेडिकेशन के भी माध्यम से बेसिकली इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, यानी कि दवाओं के थ्रू भी इसकी जो एनलार्जमेंट की सिचुएशन है या फिर जो इसके अंदर स्वेलिंग जो आ गई है बेसिकली एक तरह का स्वेलिंग आ जाता है तो इसकी स्वेलिंग को या फिर इसके एनलार्जमेंट को कम किया जा सकता है, या फिर कह लें कि इसके अंदर जो प्रेशर डेवलप हुआ है जिसके वजह से यूरेथ्रा की जो ब्लॉकेज है वो आ गई है तो इसके प्रेशर को अगर हम कम कर देते हैं तो ऐसे में जो यूरिन है वो ठीक ढंग से पास आउट होने लगेगा। लेकिन जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है इसकी वजह से बॉडी में और कोई कंडीशन नहीं बनती, ऐसा नहीं है कि आपको किसी तरह का कोई कैंसर हो जाएगा या फिर आपको कोई और बीमारी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपके यूरिन के पास आउट होने में समस्या होती है। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट ज़्यादा हो जाता है या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है बेसिकली वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत करने लगती है या फिर आपका जो यूरिन है उसमें कहीं ना कहीं अगर ब्लॉकेज आने लगती है तो ऐसे में एक ही ऑप्शन बचता है, वो आता है सर्जरी का। ठीक है, तो सर्जरी के माध्यम से डॉक्टर जो है ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड, क्योंकि जब बुजुर्ग हो गए हैं तो ऐसे में आपको सेमिनल फ्लूइड की जरूरत तो है नहीं, तो सेमिनल फ्लूइड की जरूरत नहीं है तो यहाँ का जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको बेसिकली सर्जिकली इसको रिमूव कर दिया जाता है और पेशेंट को पूरी तरह से यूरिन करने में दिक्कत नहीं आती है, या कहले कि पेशेंट को जो यूरिन करने में प्रॉब्लम हो रही थी या फिर यूरिन को पास आउट करने में या पेशाब करने में जो समस्या आ रही थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड के बाहर निकल जाने की वजह से या फिर इसकी सर्जरी हो जाने की वजह से। तो बेसिकली इसका मेडिकेशन के थ्रू और सर्जरी के माध्यम से भी इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। तो ये तो बात हो गई प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जैसी कंडीशन के बारे में, ऐसी सिचुएशन के बारे में लोगों को और ज़्यादा जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।